मिस इंडिया भारत की सबसे सुंदर महिला का किताब होता है, जो कि लगभग हर सुंदर महिला पाना चाहती है, पर जानकारी के अभाव में कई सारी महिलाएं सफल नहीं हो पाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपको क्या करना होगा अगर आप मिस इंडिया बनना चाहती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, और अगर आप एक बार मिस इंडिया बन जाती हैं तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ अगर हम कुछ क्राइटेरियाज़ की बात करें कि आप किस तरीके से मिस इंडिया बन सकती हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आप सुंदर होनी चाहिए। अब सुंदर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गोरी होनी चाहिए। सुंदरता और गोरेपन से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं होता है, वो सिर्फ हम लोगों की एक मिथ होती है कि जो गोरा है वही सुंदर है। बहुत सारे आपको गोरे लोग मिलेंगे जो कि दिखने में अच्छे नहीं होते हैं। फेस कट से मतलब होता है सुंदरता का। आपका फेस दिखने में अच्छा लगना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, फिर चाहे आपका रंग बिल्कुल काला हो, सांवला हो या गोरा हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। दूसरी चीज़, अब मिस इंडिया बनने के लिए आपकी आवाज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए और आप किसी से भी कन्वर्सेशन अच्छे तरीके से कर सकें। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कि अच्छे से बोल नहीं पाती हैं, या बोलते वक्त उनकी ज़बान फिसल जाती है या फिर फंस जाती है, तो वैसे सिचुएशन में उनकी आवाज़ प्रॉपर नहीं निकल पाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से बोल सकें और कम्युनिकेट कर सकें लोगों से, कन्वर्सेशन कर सकें अच्छे तरीके से। एंड अगली चीज़ की बात करते हैं, मिस इंडिया बनने के लिए आपकी बॉडी भी परफेक्ट होनी चाहिए। आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके हंसने का तरीका, हर एक चीज़ नोटिस की जाएगी। आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक मॉडल जो होती है वो मिस इंडिया आसानी से बन सकती है। तो अगर आपने मॉडलिंग करी हुई है तो मॉडलिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपको मिस इंडिया बनने के लिए। अभी कुछ योग्यताओं की बात करते हैं। सबसे पहले तो लड़की की उम्र कम से कम 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसने कम से कम 12th पास किया हो। तीसरी चीज़, लड़की अनमैरिड होनी चाहिए, उसकी शादी ना हुई हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शादी हो चुकी थी बाद में डिवोर्स हो गया, बिल्कुल प्योर सिंगल होनी चाहिए, तब जाकर वो मिस इंडिया बनने के लिए एलिजिबल होगी। लड़की की हाइट कम से कम 5'3" होनी चाहिए, और इसी के साथ में मॉडलिंग का सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिस इंडिया बनने के लिए। अभी हम बात करते हैं मिस इंडिया बनेंगे कैसे। अगर आप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी योग्यता आपके पास कंप्लीट है, मतलब आपने 12th कंप्लीट कर रखा है, 12th के बाद आपने मॉडलिंग कर रखा है, मॉडलिंग का सर्टिफिकेट भी आपके पास मौजूद है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा इंडिया टाइम्स की, जहाँ पर मॉडलिंग के लिए ऑडिशंस के सारे डिटेल्स मिलते हैं आपको। बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है मिस इंडिया एप्लीकेशन फॉर्म, ऑटोमेटिक आपको सबसे टॉप पर इंडिया टाइम्स की वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स आपको एक लाइन से दिख जाएगी। मिस इंडिया बनने के लिए टोटली 4 जोन में डिवाइड किया जाता है इंडिया को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन चारों जोन में अलग अलग ऑडिशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। ईस्ट के कुछ स्टेट्स आते हैं, वेस्ट के कुछ स्टेट्स वेस्ट में रहते हैं, नॉर्थ के नॉर्थ में और साउथ के साउथ में। मेनली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में ऑडिशंस होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के, पर हर साल के साथ शहर चेंज भी हो सकता है। वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फिल करना है, किस तरीके से आप ऑडिशन के लिए जाएंगी या फिर ऑनलाइन ऑडिशन देना होगा, और फिर आप कंपटीशन में जा सकती हैं और मिस इंडिया बन सकती हैं। अभी यहाँ बात करते हैं, अगर आप मिस इंडिया एक बार बन जाती हैं तो क्या क्या आप कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप मिस इंडिया बनी है तो आप फेमस हैं। तो अगर आप फेमस हैं तो आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट्स के लिए अप्रोच किया जाएगा, आपके बैनर्स लगेंगे हर शहरों में बड़े 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 नामी प्रोडक्ट्स के साथ में, जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, कई सारी कंपनियां आपको इनवाइट करेंगी उनके प्रमोशंस के लिए, एंड आप वेब सीरीज या फिर टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज में, सॉन्ग्स में काम करने के लिए भी एलिजिबल होंगी। बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज होंगी जो कि आपको बुलाएंगी, इनवाइट करेंगी उनके लिए काम करने के लिए, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। एंड एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप मिस इंडिया बन जाती हैं, मॉडल बन जाती हैं, आप अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, तो कोई ना कोई बड़ा एक्टर या बड़ा क्रिकेटर या कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई सिविल सर्वेंट आपको अप्रोच कर सकता है उनसे शादी करने के लिए।
हालांकि वो आपकी मर्जी होगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप मिस इंडिया बन सकती हैं और मिस इंडिया बनने के बाद आप क्या क्या कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।